अधेड़ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद अधेड़ के ही परिजनों की ओर से रिश्तेदारों पर अधेड़ की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी तहरीर मृतक अधेड़ के परिजनों की ओर से थाना करहल में दी गई है। मामला थाना करहल क्षेत्र के मोहल्ला काजी का है। यहां के रहने वाले रूप राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पुत्र बधु ने मौत को संदिग्ध बताते हुए बताया है कि उसके ससुर कैंसर से पीड़ित थे। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत सही हो गई थी। 8 अप्रैल को उसकी सास के भतीजे और छोटी ननद का ससुर रूप राम को जबरदस्ती नवादा लेकर गए। वहां से रूप राम ने अपनी पुत्र बधु को फोन करके बताया ये लोग जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं। मृतक की पुत्री ने बताया उनके पिता की मौत कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी में हुई गड़बड़ी से हुई है। उसने बताया है कि कीमोथेरेपी का समय 32 घंटों का होता है, लेकिन डॉक्टर ने 12 घंटे में ही चढ़ा दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? जी, अच्छा, ये जो आपके पिता की डेथ हुई है, किस वजह से हुई है, क्या आपको लग रहा है, कैसे हुई है, क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम चल रही थी? वो कैंसर के इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, तो उनको कीमो लगना है। डॉक्टर की कहा है सर कि उनकी जब कीमो लगा तो 36 घंटा की मैद होती है कीमो लगने की, तो वो दवा इन्होंने 12 घंटे के अंदर लगा, इसलिए उनकी हालत बिगड़ गई और बिगड़ती ही चली गई, ऐसा हुआ। सुना है कि आपके यहाँ कुछ बहू के जो ससुराल वाले हैं, मायके वाले, वो ये चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ? ना, कोई अकराध नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। अच्छा, आपके ससुर की मृत्यु हो गई है। हाँ। क्या उसमें आप आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप? मैं आरोप नहीं, मेरे ऊपर ये मेरी नंद वगैरह, मेरी सास सब आरोप लगा रही हैं कि मैंने अपने वो मेरे पति की डेथ हो गई है, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने जहर दे के मार डाला अपने पति को, और ये भी आरोप लगा रही हैं कि मेरे ससुर को मेरी वजह से मौत हो गई है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मैंने अपने ससुर की पूरी सेवा की और मेरा पूरा काजी मोहल्ला, क्या पूरे करेल मेरे साथ है, अगर कोई बात है तो। कैसे हुई उनकी मौत? कैसे हुई उनकी मौत? वहाँ पे ले गए जसराना, मेरे मामा के लड़के, उनके भतीजे हैं मम्मी के, वो और छोटी नंद के ससुर लेके गए वहाँ पे, पता नहीं क्या कर दिया, वहाँ से ही बीमार हो गए। फिर फिरोजाबाद भर्ती किया, वहाँ पे बोल बंद था जब हम गए थे तब। लेके कौन गया था? मेरी मम्मी के भतीजे, सास के भतीजे और मेरी छोटी नंद के ससुर। हाँ, वहाँ ले जाके पता नहीं क्या कर दिया, वहाँ से ही बीमार हो गए, बोल बंद हो गया था। हम जब देखने गए फिरोजाबाद जबरदस्ती, ये लोग लेके नहीं जा रहे थे मुझे, और जब घर पे आए लखनऊ के लिए, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, लखनऊ के लिए ले जा रहे, घर पे आए तो मुझे बात नहीं की करने दी, धक्का दे के हटा दिया। आपकी बात हुई उनसे? क्या? मेरी बात नहीं करने दी, और फिर हम रोने लगे, तब मुझे बुला रहे थे पास में, लेकिन मुझे किसी ने पास नहीं जाने दिया था। ये बात कई लोगों ने देखी है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ ना इंसाफी ना हो, बस। हमारी दो बेटियां हैं, एक छोटी बेटी ये है और बड़ी बेटी 5 साल की है, मेरी दोनों बेटियों के साथ ना इंसाफी ना हो, बस इतना चाह रहे हैं।